हरे रामा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज नंद ने बड़े ही आनंद के साथ में नंदोत्सव मनाया, भगवान कृष्ण का जन्म, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस वृतांत के बारे में भागवतम में बताया है। इससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक सभ्यता में गवयेन धनवान धान्येन धनवान, महाराज नंद उनके पास में इतना ऐश्वर्य था, वो एक वैश्य थे और वैश्य का सबसे महत्वपूर्ण काम होता था कृषि और गोरक्षा। कृषि करने के द्वारा धान्य यानी फसल उगाई जाती थी। तो धान्येन धनवान, जिसके पास में ज्यादा धान होता था, अनाज होता था, वो व्यक्ति धनी कहलाता था। गव्येन धनवान, और जिसके पास में अत्यधिक गाय होती थी, वो भी धनवान कहलाता था। तो इस उत्सव में उन्होंने अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को अनाज और गाय का दान भी दिया। तो वैश्य का ये महत्वपूर्ण कार्य बताया जाता था, कृषि करना और गोरक्षा करना। और अगर अनाज ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो वाणिज्य करना, उसका व्यापार करना। जिस प्रकार से क्षत्रिय का कार्य होता था कि वो नागरिक जो हमारे जनता होती है उनकी रक्षा करना, इसी प्रकार से वैश्यों का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था गो रक्षा करना, गाय की रक्षा करना। तो क्षत्रियों का काम क्या होता था? लोगों की रक्षा करना। और वैश्यों का कार्य होता था गाय की रक्षा करना। गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताई जाती है? क्योंकि गाय के द्वारा जो दूध मिलता है और उस दूध के द्वारा जो मक्खन और घी मिलता है, उसके द्वारा अनेकों प्रकार के यज्ञ हम कर सकते हैं। और जो दूध होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है, जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क के, हमारे ब्रेन के जो सेल होते हैं वो डेवलप होते हैं और हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रसंग जो है हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। तो भगवान के जन्मदिन मनाने के बाद में, भगवान का जात कर्म पूर्ण करने के बाद में, अब नंद महाराज मथुरा की तरफ जाना चाहते हैं। हर एक साल ये जो वैश्य होते थे, ये जो फसल उगाते थे, उसका कुछ भाग राजा को प्रदान किया जाता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में।
लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि चाहे आपको फायदा प्रॉफिट है या लॉस है, फिर भी हमको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर उनके पास में फसल ज़रूरत से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा है उस फसल को कर के रूप में, टैक्स के रूप में जमा किया जाता था, ताकि बाद में कुछ विपरीत परिस्थितियों के समय में, कुछ ज़रूरत के समय में राजा उसका उपयोग जो है जनता की भलाई के लिए कर सकता था। तो अपना वार्षिक जो उनको कर देना था कम्स को, कम्स की सरकार को, उसके लिए अब नंद महाराज जो है मथुरा जाना चाहते हैं। तो मथुरा जाने से पहले उन्होंने गोकुल को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे जो बाकी वरिष्ठ गोपगण थे, जो उन्हीं के समुदाय के जो बाकी लोग थे, उनमें जो बुजुर्ग लोग थे, उनमें जो वरिष्ठ लोग थे, उनके हाथ में गोकुल की सुरक्षा छोड़ करके नंद महाराज जो है कुछ ग्वाल बालों के साथ में, कुछ गोपगणों के साथ में मथुरा की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। तो मथुरा जाने के बाद में वसुदेव जी को तो पता चल जाता है कि नंद महाराज गोकुल छोड़ करके मथुरा आए हैं, तो उनकी चिंता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पिता हैं, उनकी पहले की जो संतानें हैं उनका तो वध, 6 संतानों का वध तो कंस ने कर ही दिया था, और अब वो प्लानिंग बना रहा था, योजना बना रहा था कि 10 दिन पहले जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है सारी मथुरा वृंदावन में, सारे व्रज धाम में, कहीं पर भी जिस भी बच्चे का जन्म 10 दिन पहले हुआ है, इन 10 दिनों के अंदर में हुआ है, वो सबका वध कराना चाहता था। तो वसुदेव बड़े चिंतित थे कि नंद महाराज गोकुल को छोड़ करके मथुरा आए हैं। तो बड़ी चिंतित अवस्था में वसुदेव जो हैं नंद महाराज को मिलने के लिए आते हैं। अब नंद महाराज को तो ये पता नहीं है कि कृष्ण जो, वो तो सोच रहे हैं कि कृष्ण उनका पुत्र है, उनको ये पता नहीं है कि उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया था, और वसुदेव ने भगवान की योजना के अनुसार कृष्ण को उनकी रक्षा में छोड़ करके पुत्री को वो ले करके आ गए थे। ये सब नंद महाराज को और यशोदा को पता नहीं, लेकिन वसुदेव को तो पता है, क्योंकि उन्होंने ही तो ये कार्य किया है कि भाई मेरा पुत्र नंद महाराज के घर में सुरक्षित रहेगा, तो इसलिए उनकी चिंता बढ़ी हुई है। तो वसुदेव अब जो है नंद महाराज से मिलने के लिए आते हैं। तो मिलने के लिए आने के बाद में जब उनसे मिलते हैं तो नंद महाराज बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि नंद महाराज को भी ये गारंटी नहीं थी कि वसुदेव जीवित रह पाएंगे। उन्हें पता था कि कंस बड़ा ही दुष्ट है, और उन्हें ये भी पता था कि कंस ने बड़ी क्रूरता के साथ में वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया है, और ये भी पता था कि वसुदेव और देवकी को कारागार में डाला हुआ था। तो जब वो देखते हैं कि वसुदेव जीवित हैं तो नंद महाराज आनंदित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मानो मुझे दोबारा एक जीवन मिल गया हो आपको जीवित देख करके, और उनको जो है वसुदेव को गले लगा लेते हैं। बाद में दोनों आपस में बैठ करके वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। तो सबसे पहले वसुदेव जो हैं नंद महाराज को बधाई देते हैं। वो कहते हैं नंद जी आपको बधाई हो, आपके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, एक संतान ने जन्म लिया है। मुझे पता है, वसुदेव कह रहे हैं, कि आप धीरे धीरे
जो है आपकी आयु बढ़ रही थी और आप सोच रहे थे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, अब देखो भगवान की कृपा के द्वारा तुम्हारे घर में एक संतान ने जन्म लिया, एक पुत्र ने जन्म लिया है। क्योंकि वसुदेव जो है उस पुत्र के बारे में इनडायरेक्ट रूप से पता करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है नंद महाराज के घर में या नहीं, इसलिए इस प्रकार से वो कह रहे कि अब तो तुम्हारे घर में एक पुत्र है, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे और भगवान के आशीर्वाद के द्वारा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है या नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र कैसा है, इस प्रकार से वसुदेव जो है पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंदा, मुझे ये पता नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा क्योंकि मैं तो कारागार में बंद था। मुझे कारागार से कम्स कभी छोड़ेगा ये मुझे कोई आशा नहीं थी। तो एक प्रकार से ये मेरा दूसरा जन्म है, वसुदेव जी कह रहे हैं कि मेरा दूसरा जन्म है। क्यों कह रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि उनकी जान बच गई, इसलिए कि वो नंद महाराज से मिल करके अपने पुत्र के बारे में अब जो है उनकी सुरक्षा के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नंद महाराज को वहां पर देख करके और कृष्ण जीवित है क्योंकि उन्हें पता है कि कंस ने एक योजना बनाई है कि जितने भी बालकों ने 10 दिन के अंदर में जन्म लिया है सबको मारा जाए, और कृष्ण अगर जीवित हैं तो उन्हें लग रहा है कि उनको दोबारा जीवन प्रदान हुआ है। क्योंकि अगर उनकी सारी संतानें पहले ही जा चुकी हैं और अब केवल कृष्ण बाकी हैं, अगर वो भी चली गई तो उनके जीने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो कह रहे कि ऐसा लगता है कि मुझे पुनर्जन्म मिल गया है, ये वसुदेव जी जो है कह रहे हैं। फिर अपना दुख व्यक्त करते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक नियम है। वो कहते हैं कि प्रकृति के नियम के अनुसार कई बार हम सब एक परिवार में एक साथ एकत्र होते हैं और फिर वही काल के अनुसार जब काल का समय आता है तो विपरीत अवस्था होती है और हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है, और बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के कहते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मेरे 6 पुत्रों ने 6 संतानों ने जन्म लिया, सब बिछड़ गए, अब एक भी मेरे पास में नहीं है, और 7वां जो जीवित है वो सोच रहे हैं वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मुझसे बिछड़ गया है। जन्म तो मैंने दिया है, मैंने और देवकी ने उसको जन्म दिया है, हम तो जन्मदाता पिता हैं, लेकिन नंद महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, उनको पालन करने वाले पिता तो नंद महाराज ही हैं। तो अपना दुख जो है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हुए वो बता रहे हैं कि ये तो प्रकृति का खेल है। लेकिन ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रसंग जो हम इससे सीख सकते हैं हमारे जीवन में भी, ये जो शिक्षाएं भागवतम में दी हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या बता रहे, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण नियम बता रहे हैं। वो कहते हैं, उदाहरण देकर के कहते हैं, देखिए जब सागर में अनेकों प्रकार की लहरें उठती हैं तो उसमें हम देखते हैं कुछ तिनके, कुछ पेड़ों के पत्ते, कुछ पेड़ों की टहनियाँ, शाखाएँ सब आपस में मिल जाती हैं, है ना। हम देखते हैं कुछ लहरें उठती हैं तो उसके कारण कुछ पेड़ के पत्ते आ गए, कुछ पेड़ की शाखाएँ आ गई, कुछ घास फूस के तिनके आ गए, सब आपस में एक साथ आ जाते हैं और कुछ देर तक आपस में साथ में बहते हैं, फिर दोबारा जो है लहर आती है
और ये सारे बिखर जाते हैं। तो कहते हैं काल का नियम इसी प्रकार का है, अपने कर्म के अनुसार काल की इच्छा से कुछ जीव आपस में साथ में आते हैं, एक ही घर में, एक ही देश में, एक ही समाज में, और फिर काल का जब समय आता है तो उसके अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार, हम दोबारा बिखर जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वसुदेव बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि बलराम तो मेरा पुत्र है, लेकिन फिर भी बलराम जी मुझे अपने पिता के रूप में नहीं जानता है। वसुदेव बता रहे, क्योंकि वो तो वसुदेव के ही पुत्र हैं। बलराम जो हैं, जिन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है, रोहिणी तो वसुदेव की ही पत्नी है, लेकिन बलराम जी ने कहा अपने पिता वसुदेव को देखा है, बचपन से नंद महाराज को ही अपने पिता मान कर गया है। तो कह रहे हैं कि बलराम तो मुझे पिता के रूप में जानता ही नहीं है, तो वो तो आपको ही अपने पिता के रूप में देखता है। और अब उसके साथ साथ में अब कृष्ण जो है आपका जो दूसरा पुत्र है, तो अब आपके दो पुत्र हो गए, और मुझे लगता है कि दोनों पुत्र सुरक्षित हैं ना, वो पूछ रहे हैं। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे जो जानवर हैं, जो तुम्हारी गैया हैं, वो सब तो सुरक्षित हैं ना, कहीं कोई गोकुल के अंदर में सब कुछ शांत वातावरण है, सब कुछ पीसफुल है कि नहीं, वो जो है धीरे धीरे इस बारे में चर्चा करते और पूछ रहे हैं। तो इस विषय में और अधिक चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।